रोल। फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयप्रदा जी हमारे साथ हैं। जयप्रदा जी, ये बताइए, 2024 का लोकसभा चुनाव है, हर किसी की निगाह आपकी तरफ है, आप दो बार सांसद रही हैं रामपुर से, क्या इरादा है? क्योंकि भाजपा ने रामपुर से तो घोषित कर दिया, क्या मुरादाबाद या किसी और सीट से लड़ने का इरादा है? देखिए, ऐसा है कि मेरे इच्छा के अनुसार हमारा नाम कहीं पर भी घोषित कर सकें ऐसा तो नहीं है। जो शीर्ष नेता जो भी मुझे समझते हैं कि मैं यहाँ से सक्षम हूँ, तो वहाँ से मुझे इशारा दें, उसका आशीर्वाद दें उनके, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। आज आप कोर्ट में हाजिर हुई, जो आपके वारंट हुए थे वो रिकॉल हो गए हैं, अब कौन सी तारीख लगी है आगे और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं वैभव जी को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ, उन्होंने मेरे साथ दिए हैं। और आज मेरी ये लड़ाई सिर्फ जयप्रदा की लड़ाई नहीं है कि एसटी हसन जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, अगर महिलाओं को छेड़ने पर, एक हिंदू लड़की को छेड़ने पर उनको मजा आती है, तो इसको मैं विरोध करती हूँ। सजा होनी चाहिए, मतलब ऐसे लोगों को कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं अदालत से अपील करती हूँ कि मेरे जैसे लोगों को, सही, मैं लड़ सकती हूँ, लेकिन जो आम जो महिलाएं होती हैं, उनकी बेटियां होती हैं, गरीब के बेटियां होती हैं, उनको ऐसे छेड़छाड़ करने के लिए कोई भी हिम्मत ना करे। भाजपा अगर मौका दे चुनाव लड़ने का, तो आप तैयार हैं लड़ने के लिए? हमेशा मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, और उसी के रूप में मैं सेविका के रूप में काम करने के लिए भी तैयार हूँ। वो जहाँ पे मुझे लड़ाएंगे, मैं तैयार हूँ लड़ने के। सीएए को लेकर काफ़ी भ्रम था, भ्रांति थी, लेकिन अब जो है वो लागू हो चुका है, क्या कहना चाहेंगी जो लोग विरोध कर रहे थे? देखिए, सीएए में ये डरने की कोई बात नहीं है, मुसलमान खास तौर जो है ना, उनको डरने की कोई बात नहीं है। ये जो है, ये अधिकार को दिलाने के लिए, जो नागरिकता देने के लिए ये कानून है, लेने के लिए नहीं है। और जो बाहर जो बॉर्डर्स पे हम देख रहे हैं, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान को, ऐसे जो बॉर्डर्स पे गैर मुसलमान जो अल्पसंख्यक नाम से, उनके दशा क्या हो रही है, तो उनको अगर नागरिकता दे रहे हैं, तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद कहना चाहिए। मैं इसको स्वीकार करती हूँ, स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयप्रदा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पार्टी उन्हें किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहेगी, तो वो चुनाव लड़ने के लिए 2024 लोकसभा का तैयार हैं, क्योंकि रामपुर सीट से तो भाजपा प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन जयप्रदा चाहती हैं कि किसी और सीट से उनका नाम अगर घोषित होता है तो वो चुनाव लड़ेंगी। फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयप्रदा आज मुरादाबाद की स्पेशल MPMLA कोर्ट में हाजिर हुई और उन्होंने अपने वारंट रिकॉल कराए हैं। जयप्रदा जी के वकील हमारे साथ हैं, वैभव जी, ये बताइए आज क्या रहा कोर्ट में जयप्रदा जी पेश हुई थी? जी नमस्कार, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जयप्रदा जी के द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था, और ये जो इसमें फिरोज और मोहम्मद आजम था, इनके बेटे अब्दुल्ला आजम था, अजहर आदि लोग जो है इसमें मुलजिम है, और एक अमर्यादित महिला के लिए इन्होंने टिप्पणी की थी, और ये समाज के लिए ही, समाज में कहीं भी इसको जो है जगह स्थान नहीं है कि कोई भी महिलाओं के लिए कोई अभद्र टिप्पणी करें, क्योंकि इसको संविधान और हमारी भारतीय दंड संहिता इसको पालन नहीं करती है, उसी के संबंध में ये मुकदमा था। और इनकी आज गवाही थी, और स्वास्थ्य कारणों के कारण ये गवाही देने नहीं आ पाई थी, जिसका कारण हो गए थे, जिसमें इन्होंने माननीय न्यायालय का सम्मान रखते हुए आज देर को उपस्थित हुई और गवाही के लिए उपस्थित हुई। अब अगली तारीख इस केस में क्या लगी है? सपा सांसद जी, मैं आपको बता दूं कि इसमें सपा सांसद एसटी हसन मुख्य रूप से इसमें आरोपी हैं, और इसमें 21 तारीख अगली जो है सुनवाई के लिए लगी। 21 मार्च को मतलब जयप्रदा जी के बयान होने हैं इस मामले में? जी, 21 मार्च को इसमें माननीय जयप्रदा जी के बयान होंगे, और ये पीड़ित भी हैं, और इस मुकदमे की बात है। और जो आ नहीं रही थी जयप्रदा जी कोर्ट में, गैर हाजिर थी, जिसकी वजह से नॉन अवेलेबल वारंट हुए थे, उसकी क्या वजह उन्होंने बताई? इनका स्वास्थ्य खराब था, जिसके चिकित्सीय प्रमाण पत्र इन्होंने प्रस्तुत किए, जिसको मानते हुए न्यायालय ने एनडब्ल्यू खत्म किए और अग्रिम तिथि गवाही के लिए नियत कर दी। किस तरह देखिए, 2019 का ये मामला है जो मुरादाबाद के खड़गढ़ थाने में दर्ज हुआ था, और जो जयप्रदा हैं उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप सपा सांसद एसटी हसन और तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं पर लगे हुए हैं। अब इस मामले में अदालत जो है 21 मार्च को सुनवाई करेगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।